नमस्ते दोस्तों, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरपूर नाश्ता। ये बहुत टेस्टी नाश्ता होगा और ये हम नाश्ता एक बूंद तेल में बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ढेर सारी सब्जियां ले ली हैं। ये हमने थोड़ी सी मटर ली है, आधा शिमला मिर्च को कट कर लिया है, एक टमाटर कट कर लिया है, 4-5 फ्रांस बीन कट कर ली है और ये पत्ता गोभी थोड़ी सी मोटे मोटे टुकड़ों में काट ली है। आप और भी सब्जियां ले सकते हैं, प्याज वगैरह भी ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया है। जो भी आप कच्ची खाने वाली सब्जियां हैं आप किसी भी सब्जी का यूज़ कर सकते हैं। ये आधा कप हमने दही लिया है, ये आधा कप हमने सूजी ली है, ये भुनी हुई सूजी है, मैं सूजी भून कर ही यूज़ करती हूँ। आधा चम्मच ये हमने नमक लिया है और ये 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च ली है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सब्जियों को दरदरा पीस लेते हैं। बहुत पतला नहीं पीसना है इसलिए मैंने इनको मोटा काटा है। आप बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जैसे सब्जियां नहीं खाना चाहें तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। अगर बच्चे बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं तो आप एकदम पीस के भी मिला सकते हैं, फाइन पीस कर। बड़े लोग भी जैसे दांतों से प्रॉब्लम हो जिनको, उनके लिए भी आप पीस कर यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि सारे विटामिन्स मिनरल्स चले जाएंगे खाने में उनको। इसको हम अब पीस लेते हैं। सब्जियां हमने पीस ली हैं, अब एक बड़ा बॉल ले लेंगे। इसमें ये हम सूजी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, ये काली मिर्च भी डाल देंगे। इसमें हम ये दही डालकर मिला लेंगे। इस तरह से सब्जियां करने से फायदा ये होगा कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा, फटाफट बन जाएगा, काटने में देर लगती है सब्जियां। अब सूजी में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि सूजी फूलेगी तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। कुल मिलाकर हमने 1/3 कप पानी डाल दिया है। इसमें हम ये पिसी हुई सब्जियां भी मिला देंगे। ये बहुत टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। हम इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, रात में तैयारी करके रख लें और सुबह हम इनको बना कर दे दें बच्चों को। अब इसको हम ढक कर 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि सूजी फूल जाएगी। 15 मिनट हो गए हैं, सूजी हम देख लेते हैं। देखिए सूजी हो गई है। अब इसको हम 2 भागों में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा लीनो डालेंगे। कम उतने में ही इनो डालेंगे जितना पहले हम बनाएंगे। आधा हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ये इनो पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच। अगर आपके पास इनो पाउडर ना हो तो आप कोई भी फ्रूट सल्ट डाल सकते हैं या फिर खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। इसमें आधा चम्मच छोटा हम अच्छे से 20-30 सेकंड अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों गैस पर हमने एक अप्पम मेकर रख लिया है। अगर आप पे ये मोल्ड ना हो तो आप तवे पर भी बना सकते हैं इनको।
इसको हमने ग्रीस कर लिया है, घी से ग्रीस किया है हमने। अब इसमें हम ये मटेरियल डाल देंगे। डेढ़ चम्मच पड़ा है ये, आप लोही के तवे पे भी सेक सकते हैं। हम इसको नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं, कभी भी रेफ्रेशमेंट में भी खा सकते हैं, कभी भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो हम इसको खा सकते हैं। अब 5 मिनट तक हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। दोस्तों देखिए 5 मिनट हो गए, इनके ऊपर की सतह थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो इसमें हल्का सा हम घी लगा देते हैं। आप ना लगाना चाहें तो बिना लगाए भी रह सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लगा दे रही हूँ। अब इनको हम बदल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बदल लेंगे। दोस्तों देखिए ये सारे हमने बदल लिए, कितने अच्छे सिके हैं, एकदम गोल्डन। अब दूसरी तरफ से भी हम स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट सेक लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम देख लेते हैं ये सिके हैं कि नहीं। अगर से देखिए थोड़े हल्के लग रहे हैं, 1 मिनट और सेक लेते हैं इनको। ये हो गया है, इसको हम बदल लेते हैं। ये भी हो गया है, इसको भी बदल लेते हैं। ये भी हो गया है, इसको बदल लेते हैं। अब इनको बदलते बदलते हम 1 मिनट और सेक लेंगे। दोस्तों 1 मिनट हो गया है, ये हमारे पूरे अच्छे तरह से सेक चुके हैं। अब इनको हम उतार लेते हैं। दूसरे मटेरियल के भी हम इसी तरह सेक लेंगे, उसमें अब इनो मिला के हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। गैस हम बंद कर देते हैं क्योंकि उसमें ये नोबल मिला के हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एकदम देखिए कितने कलरफुल, कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में ये और भी टेस्टी हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा लॉट भी सिक गया है, इनको अब हम उतार लेते हैं। गैस हम बंद कर देते हैं, सर्व कर लेते हैं हमने। दोस्तों ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है और ये विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है, इसलिए हमारे पूरे परिवार के लिए हेल्दी है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।